मैं हूं शबनम। धर्मकथा में आपका स्वागत है। धर्मकथा में आज हम बात करेंगे ऐसे स्वयंभू हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग की जिसे दूधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा महाप्रतापी शिव भक्त रावण और उनके पिता ऋषि विश्वकर्मा भी करते थे। त्रेता युगीन इस शिवधाम को समस्त संतापों को दूर करने वाला तथा शिवलोक प्राप्ति का सहज साधन मानते हैं। आइए जानते हैं क्या है स्वयंभू हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग की कथा, जिनके प्रकट होने से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की धरती धन्य हुई। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। शिव पुराण के अनुसार भूतनाथ भगवान शंकर प्राणियों का कल्याण करने के लिए अनेकों तीर्थों में लिंग रूप में वास करते हैं। यूं तो भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन इनके अलावा कई ऐसे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग हैं जिनका विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक चमत्कारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध पीठ है गाजियाबाद स्थित श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर। विशेष रूप से दूधेश्वर भगवान का जो यहाँ पर जो प्राचीन मान्यता है, रावण के पिता विश्वकर्मा ने ये शिवलिंग को स्थापित किया, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ऋषि लिंग भी है, देवलिंग भी है और मनुष्य द्वारा पूजित है। प्राचीन कथाएँ वगैरह जो है वो वृद्ध शिव पुराण वगैरह में जो प्राप्त होती है, तो इसको काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में भी इसकी मान्यता प्राप्त है। जय शिव शंकर प्रचलित कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के अवतार लेने से पूर्व महर्षि पुलस्त्य के पुत्र कुबेर हुए थे, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष एवं शिव के अनन्य भक्त थे। कुबेर जी शिव भक्ति एवं देव कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपने पिता से मिलने के लिए भी वक्त नहीं था। महर्षि पुलस्त्य गाजियाबाद के बिसरक गाँव में रहते थे। शिव पुराण के अनुसार उन्होंने भगवान शिव की गहन आराधना की और इसी तपस्या की वजह से उनका नाम विश्वकर्मा पड़ा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिए और स्वयं यहां लिंग रूप में विराजित हुए। इसी वजह से कुबेर भी शिव के दर्शन और पूजन के लिए यहां आने लगे और अपने पिता विश्वकर्मा से भी मिलने लगे। इस प्रकार पिता की इच्छा पूर्ण हुई। कहते हैं कि यही वो पावन स्थान है जहाँ शिव और पार्वती निवास करते हैं, इसलिए दूधेश्वर महादेव के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। पुराणों के अनुसार महर्षि विश्वकर्मा ने तपस्या पूरी होने के बाद तीन राक्षसी कन्याओं कैकसी, मालिनी और तृप्ता से भी विवाह किया था, जिनसे महापंडित रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, विभीषण और शूर्पणखा उन्हें संतान रूप में प्राप्त हुई। शिव साधक विश्वकर्मा का पुत्र रावण भी अपने पिता की भांति भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिव जी के प्रति रावण की भक्ति विश्व विख्यात एवं अनुकरणीय है। जटाटवी गलज गलज प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजंग तुंग मालिकां। रावण तब तक यहां पूजा अभिषेक करता रहा जब तक विश्वकर्मा सपरिवार स्वर्ण नगरी लंका में जाकर नहीं बसे थे। रावण से जुड़ी ये कथा वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। जटा कटाह सभ्रम भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोलवी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार समय का चक्र चलता रहा और युग परिवर्तन की वजह से त्रेता युगीन ये ज्योतिर्लिंग कालांतर में मिट्टी में दब गया और मानव पटल से विस्मृत हो गया और ये तब तक लुप्त रहा जब तक दोबारा इसकी खोज नहीं हुई। तो ये थी दूधेश्वर हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग के उद्भव और लुप्त होने की कथा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे इस दिव्य शिवलिंग का आधुनिक स्वरूप शिव भक्तों के लिए पुनः प्रतिष्ठित हुआ। दिव्य
दिव्य ज्योतिर्लिंग दूधेश्वर महादेव के प्रकट होने की तिथि 3 नवंबर 1454 बताई जाती है। इस संबंध में एक बड़ी रोचक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि मंदिर परिसर के निकट कैला गांव में ही महर्षि विश्वेश्वरवा के आग्रह पर भगवान शिव ने एक छोटा कैलाश तक बना दिया था और इसी वजह से ये गांव कैला कहलाता है। इस गांव का वर्णन लिंग पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि इस गांव की कुछ गायें टीले पर चरने जाया करती थी और शाम को जब वो वापस आती थी तो उनके थन से दूध गायब रहता था। प्रचलित कथा के अनुसार ये गायें चरने के दौरान जब एक विशेष स्थान पर पहुंचती थी तो इनके थन से दूध की धार स्वतः बहने लगती थी। इस विचित्र घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तो ये खबर जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद टीले पर पहुंचकर तमाम लोगों ने इस घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। कहा जाता है कि जिन दिनों कैला गांव में गायों के थन से दूध की वो धार निकलती थी उसी दौरान सुदूर कोड़ नामक ग्राम में दशनामी जूना अखाड़े के एक शिव भक्त संत को स्वप्न में ये भाव हुआ कि स्थान पर प्राचीन जागृत शिवलिंग है। इस शिव भक्त संत की देखरेख में गाँव वालों ने उस जगह खुदाई शुरू की तो लोगों को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। इसके साथ ही वहां एक जल स्रोत भी उन्हें दिखाई दिया कि प्राचीन समय में एक यहां पर गाय आती थी और गाय आने के बाद में यहां पर खड़ी होके वो अपने आप सोते ही उसका दूध गिर जाता था। यहां पर आके एक बहुत बड़ा टीला था तो वो टीले के ऊपर आके देखा कि भाई यहीं पर क्यों गिरता है। तो ये जो है कालांतर में खुदाई होने के बाद में जो शिवलिंग निकला तो वो उसको जो है दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दूधेश्वर बोला गया। गांव वालों ने उस पवित्र स्थान पर फौरन भजन पूजन आरंभ कर दिया और पूरे श्रद्धा भाव से इस स्वयंभू हिरण्य गर्भ ज्योतिर्लिंग का दूध से अभिषेक किया। इसी के साथ कार्तिक शुक्ल वैकुंठ चतुर्दशी सोमवार के दिन साल 1511 में दूधेश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस दिव्य शिवलिंग का प्राकट्य हुआ जिसे आज तक भक्तगण गहरी आस्था और विश्वास के साथ पूछते हैं। देखा आपने सचमुच कितनी अद्भुत थी कैला गांव की ये कथा। दूधेश्वर महादेव से जुड़ी कथाएं अभी और बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं शबनम। तो देखा आपने किस प्रकार दशनामी जूना अखाड़े के एक संत ने ग्रामीणों की मदद से भगवान शिव के इस दिव्य हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। क्या है ये दशनामी जूना अखाड़ा और कैसी है इस मंदिर की मठ परंपरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूं तो भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञानी और समस्त संतापों का नाश करने वाले हैं, लेकिन माना जाता है कि उनकी कृपा से भगवान दुधेश्वर महाराज के मंदिर में कुछ ऐसे सिद्ध और चमत्कारी संत हुए हैं जिनके देवत्व की चर्चा आज भी किंवदंतियों में जीवित है। जिन संत शिरोमणि ने इस दिव्य हिरण्यगर्भ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को खोजा था वो जूना अखाड़े की इसी परंपरा के संत थे। जूना का अर्थ है प्राचीन। सन्यासियों के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे प्रमुख माना जाता है। इस पंथ के इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय जी हैं। श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण और अन्य ग्रंथों में भगवान दत्तात्रेय के 24 अवतारों में एक होने का वर्णन मिलता है। इस परंपरा के योगियों और साधकों में भी दिव्य शक्तियां देखने को मिलती रही हैं। ओम शिव परात्परा शिव
ओंकारा शिव तव शरणम। दुधेश्वर मंदिर की महंत परंपरा लगभग 555 वर्ष पहले शुरू हुई मानी गई है। प्रथम महंत श्री वेणी गिरिजी महाराज से लेकर आधुनिक संत नारायण गिरिजी महाराज समेत 16 शिव भक्त महंत इसी परंपरा से आते हैं। अनेक सिद्ध संत ब्रह्मलीन होकर शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके चमत्कारों की कथाएं आज भी भक्तों के मध्य प्रचलित हैं। इनकी समाधियां इसी शिव मंदिर के प्रांगण में भगवान दुधेश्वर के साथ भक्तों में पूजनीय मानी जाती हैं। किंवदंतियों के अनुसार दुधेश्वर महाराज के भक्तों में मान्यता है कि भगवान दुधेश्वर जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं उसे प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त होता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में ऋषि विश्वश्रवा और उनके पुत्र महाबली रावण को भी भगवान दुधेश्वर की पूजा अर्चना के कारण ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्ट से मुक्ति पा चुके हैं और ये परंपरा त्रेता युग से आज तक जारी है। हिंदू पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव सर्वव्यापी निर्गुण सगुण निराकार और साकार सब कुछ है, इसलिए दुधेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कल्याणकारी लिंग स्वरूप की महिमा। शिव शंकर आदि देव शंभु भोलानाथ योगी महादेव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री दुधेश्वर का हृदय से निरंतर स्मरण और पूजन करने वालों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री दुधेश्वर महादेव अपने सच्चे भक्तों की हर बात भक्त वत्सल की तरह सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। इस मंदिर के द्वार को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बताया जाता है। मंदिर के महंत का कहना है कि यदि कोई भक्त असाध्य कष्ट और दुखों से घिरा हो तो उसे भगवान श्री दुधेश्वर की शरण में जाना चाहिए और निरंतर 40 दिन तक उनके दर्शन और अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से दुधेश्वर महादेव भक्तों के सारे कष्ट और संताप को हर लेते हैं और उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई अभी सब काम नहीं हो रहा है, मैं आत्महत्या कर लूं या कहीं पर अपने आप को कहीं पर भी चले जाऊं। तो ऐसी स्थिति में भगवान दुधेश्वर का 40 दिन का पूजन करने से और प्रतिदिन शाम के समय में एक दीपक जलाने से यहाँ पर मानसिक कष्टों का निवारण होता है। यहाँ आने वाले भक्तों की भी दुधेश्वर मंदिर के प्रति बड़ी गहन आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ आने से भगवान दुधेश्वर की कृपा छाया उन्हें अवश्य मिलेगी और संसारिक ताप नहीं सताएंगे। यहाँ आने से जो भी हमारा वो है हमें दुख दूर हुआ है। मैं सोमवार का व्रती रहती हूँ, घर पे थोड़ा घर पे पूजा करने की यही मन को लगता है, अच्छा होता है, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। दुधेश्वर महाराज के इस मंदिर में श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से जो शिव भक्त गाय का दूध जल नारियल भांग और धतूरा चढ़ाते हुए भोलेनाथ की पूजा अर्चना और प्रार्थना करते हैं, ऐसे समर्पित शिव भक्तों को दुधेश्वर महादेव के मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपार भाव। शुद्ध आचरण से ही श्री दुधेश्वर का स्मरण पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की पुकार दुधेश्वर नाथ महादेव जरूर सुनते हैं। यहाँ 16 सोमवार व्रत, श्रावण मास में पूजन, अभिषेक, रुद्राभिषेक, शिवरात्रि व्रत पूजा व महामृत्युंजय अनुष्ठान से भी तमाम सांसारिक दुख और समस्त प्रकार के कुंडली दोष तथा नीच ग्रह के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। ओम शिव परात परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। भोलेनाथ महादानी है और भक्तों पर कृपा कर उन्हें अंत समय में शिवलोक में स्थान देते हैं। आज
धर्म कथा में हमने आपको भगवान शिव के स्वयंभू हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग दूधेश्वर महादेव की उत्पत्ति, उससे जुड़ी कथा, इस कल्याणकारी लिंग स्वरूप की महिमा और इस मंदिर की मठ परंपरा के बारे में बताया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dharmkatha@bhaskarnews.org। हमारा पता है भास्कर न्यूज A147 सेक्टर 63 नोएडा। फोन नंबर है 1800300 2530। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक धर्म कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।